सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़ी ही धार्मिक, मार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़ी ही ध्यान से आप सुने, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पर ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। मौका लगने पर चोरी या डाका डाला करते हैं, इसलिए आपको इन शत्रुओं को खोज खोज कर मार डालना चाहिए। एक धर्म और भक्ति इन दुर्गुणों का खास अड्डा है। दुर्गुण दुराचारों में सद्गुण सदाचार अपना अड्डा नहीं जमा सकते, यानी उनमें नहीं छिप सकते। लेकिन ये दुर्गुण दुराचार सद्गुण सदाचार के पास अपना अड्डा जमाया करते हैं। इनको खोज खोज कर मार डालना चाहिए, क्योंकि घर में छिपे हुए चोर डाकू बहुत अधिक धोखा दिया करते हैं। बाहरी चोर डाकू इतना धोखा नहीं दे सकते, इसलिए इन घर में छिपे चोर डाकुओं पर विशेष ध्यान रखना चाहिए एवं इनको मौका लगते ही मार डालना चाहिए। यह सब लोगों की रहस्य की बात बतलाई गई है। इसको समझ लेने पर आपका कल्याण होने में किसी प्रकार की शंका की बात नहीं है। रहस्य की बात उसको कहते हैं जो छिपी रहती है, प्रायः प्रत्यक्ष नहीं दिखा करती। इन रहस्य की बातों को समझना क्या, वास्तव में इन रहस्यपूर्ण बातों को समझ लेने पर वह आपके धारण हो जाएगी। जब तक ये बातें आपके धारण नहीं हुई, तब तक यही मानना पड़ेगा कि आपने उन बातों को अच्छी प्रकार से अभी समझा नहीं। क्योंकि साधारणतया जिस बात को हम लोग समझ लिया करते हैं कि यह बात हमारे लिए हानिकारक है, हमारा भयंकर अनिष्ट करने वाली है, हम उस काम को किसी भी प्रकार से करने की कोशिश कभी नहीं करते। अपनी समझते तो आप अपने अनिष्ट की बात भूल कर भी नहीं सोचना चाहेंगे। भूल से हो जाए उसकी बात दूसरी है। इसलिए यह कहा जाता है कि वस्तुतः जो बात आपकी समझ में आ जाएगी कि यह हमारे लिए खतरे की चीज़ है, फिर उसका आप कभी भी आचरण कर ही नहीं सकते, चाहे जो हो जाए। इससे भी बढ़कर एक और अधिक रहस्य की बात आपको बतलाई जाती है, विशेष ध्यान देकर सुने। यह जो आपको दृश्य मात्र संसार दृष्टिगोचर होता है, यह संसार प्रकृति का कार्य है, ऐसा शास्त्र भी कहते हैं एवं विद्वान भी कहते हैं। यदि एक ओर शास्त्र व विद्वानों के वचन हैं एवं दूसरी ओर ईश्वर एवं महात्माओं के वचन हैं, तो महात्मा और ईश्वर के वचन ही अधिक मूल्यवान हैं। इसलिए महात्मा एवं ईश्वर जो बात कहें उनको ही मानना चाहिए, और उनके विपत्ति लाखों करोड़ों व्यक्ति भी कोई बात कहे उसका कोई मूल्य है नहीं है, वह मानने की चीज़ नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी उच्च कोट के महात्मा, वे श्री रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मुख से इस प्रकार कहलाते हैं। भगवान कहते हैं कि
वही मेरा अनन्य भक्त है, जिसकी बुद्धि कभी इस सिद्धांत से हटती ही नहीं कि जो भी कुछ चराचर है वह सब भगवान के स्वरूप की राशि है और मैं भगवान का सेवक इस प्रकार का जिसका भाव है वह भगवान का अनन्य भक्त है। स्वयं भगवान यह बात अपने मुख से कहते हैं। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी बतलाई है। भगवान कहते हैं कि बहुत से जन्मों के अंतिम जन्म में ज्ञानवान यह सब चराचर वासुदेव का ही स्वरूप इस प्रकार से मुझे भजता है, यानी देखता है, अनुभव करता है, वह महात्मा अति दुर्लभ है। यह सारा विश्व भगवान का ही स्वरूप है, ऐसा महापुरुष कहते हैं, वह अनुभव करते हैं, ऐसा आपने बतलाया, लेकिन सारे विश्व के लोग ऐसा मानते हैं। वह कह रहे हैं कि यह दृश्य वर्ग सब प्रकृति का कार्य है, यह तो प्रत्यक्ष ही दृष्टिगोचर हो रहा है। जो महापुरुष वह ईश्वर ऐसी बात बतलाते हैं कि यह दृश्य वर्ग प्रकृति का काम नहीं, भगवान का स्वरूप है, ऐसी यह बात प्रत्यक्ष में नहीं दिखलाई पड़ती। इसका यही उत्तर है कि ऐसी बात यदि प्रत्यक्ष में नहीं भी दिखलाई पड़े तब भी ऐसा ही विश्वास कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। ऐसा क्यों मान लेना चाहिए? जो लोग वास्तव में समझदार होते हैं वे सामने जो कुछ बात प्रतीत होती है उसे नहीं मानकर वस्तुतः जो वस्तु स्थित होती है उसको ही मानते हैं, और जो मूर्ख हैं वे सामने जो कुछ जैसा प्रतीत होता है उसको ऐसा ही मान बैठते हैं। वस्तु स्थिति को समझने के लिए वे परिश्रम नहीं करना चाहते। जैसे आपको भूल के कारण ऐसा प्रतीत होने लग जाता है कि यह पूर्व दिशा है, लेकिन फिर विवेक बुद्धि के विचार से यह मालूम पड़ता है कि यह पूर्व नहीं, जिसको हमने पूर्व दिशा समझा है वह तो पश्चिम है, जिसको पश्चिम दिशा समझा है वह पूर्व दिशा है। इस बात को आपने अपनी बुद्धि एवं विचार के ज्ञान से समझ लिया और बुद्धि विचार से जो यह बात आपने तय की थी कि वस्तुतः यही पूर्व एवं पश्चिम दिशा है, उसमें शंका की कोई गुंजाइश भी नहीं। इसका क्या परिणाम है? प्रमाण यह है कि जिस ओर सूर्योदय होता है वह पूर्व और जिस दिशा में सूर्यास्त होता है वह पश्चिम दिशा है, लेकिन मन को विवेक के अभाव के कारण पूर्व दिशा की वस्तु स्थिति का ज्ञान नहीं हुआ। इसलिए यह उदाहरण देकर बतलाया जाता है कि मन की गलती को विवेक बुद्धि से समझाकर जो बात प्रतीत हो रही है उसको ग्रहण नहीं करके बुद्धि के प्रमाण के आधार पर जो वस्तु स्थित है उसी को ही ग्रहण करना चाहिए। इसलिए यह मानना पड़ेगा कि जिस प्रकार से आपको विवेक की कमी के कारण यह पूर्व पश्चिम का दिग्भ्रम हुआ, उसी प्रकार से और भी सांसारिक सभी मनुष्यों को विवेक बुद्धि की अभाव में आपकी तरह ही दिग्भ्रम हो सकता है। जब मनुष्य इस प्रकार के दिग्भ्रम को नहीं मानता, उसकी जगह बुद्धि एवं विवेक से काम लेता है तथा वह वस्तुस्थिति को समझ पाता है, और यदि वह बुद्धि से काम नहीं लेकर दिग्भ्रम ही सही रास्ता मान बैठता है और उल्टे मार्ग की ओर चला पड़ता है तो निश्चित ही उसको कष्ट का सामना करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं।
तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।